बाथरूम में फिसल कर गिर गए। एक हफ्ते से बेड पर ही है पापा। बुढ़ापा तो होता ही है गिरने मरने के लिए। गिरे वो हैं और बेड सुना हमारा कर गए। अभी तुम चली और ठंडे पड़े रहेंगे हम। क्यों, कुछ गलत बोल दिया मैंने? हमारे इस बेड के बारे में भी फिक्र कर लो थोड़ी। हमारा या सिर्फ तुम्हारा? अपने साइड से तो सिर्फ छत ही देखी है मैंने। क्या बोला तुमने? फिर से बोलो क्या बोला तुमने? बेशरम, रहने दो ये नौटंकी। पति की जिम्मेदारी को छोड़कर तुम्हारी माँ बाप की चाकरी के लिए तुमको बुला रही है। हाँ वैसे भी ठीक है, इधर कौन से तुम किले बना रही हो? साल भर में एक चूजा भी नहीं निकला तुम्हारे अंदर से। ए नितेश, दिखा किसी अच्छे डॉक्टर को इसको। नाम की लुगाई है, ना दे ना दही। पापा कैसे है? दर्द कम ही नहीं हो रहा उनका। ये सब सिर्फ हमें ही दिखाओ। पब्लिक के लिए ऊंचे गले का सिग्नल हो। ये अकाउंटेंट है ना तुम्हारे उधर? हाँ अकाउंटेंट है, पर पापा का भी ध्यान रखता है। ये लीजिए ठंडा ठंडा मीठा मीठा गन्ने का जूस। तुम्हें कैसे मालूम? मालूम है आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। माँ तो कहती है ना कि कन्नू की हंसी गन्ने की गिलासी। लीजिए। थैंक यू। सफर कैसा रहा बेटी? पापा सब ठीक रहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं पानी लेकर आती हूँ। आपको लगी तो नहीं? सॉरी। इट्स ओके। क्या ओके हो गया? आ गई तू? अब तुमने तो अपने आने की खबर दी नहीं, लेकिन हम भी पल पल की खबर रखते हैं।
इसलिए जमाना कहता है नीता से नो चोरी, समझी? अच्छा जी, हाँ। अब बताओ क्या? अरे क्या क्या, मुझे सब कुछ जानना है, पति वाले एनकाउंटर्स कब कब कैसे कैसे हुआ। हे, क्या हुआ? सॉरी यार, मजाक था। कुछ नहीं, एक्चुअली इट्स ओके। हे, व्हाट ओके? बता ना, अब तुम उससे भी छुपाएगी? रात सिर्फ नितेश के लिए होती है, 4-5 मिनट, फिर वो सो जाता है और मैं जागती रहती हूँ। आई स्वेयर, ये मर्द ना बहुत कुत्ते होते हैं। हाँ, मर्द का टेम्परेचर बढ़ा, उनकी हसरतें बुरी हुई तो उनका बुखार उतर जाता है। लेकिन ऐसी भी कोई हसरतें औरतों की है, इसकी उन्हें फिक्र ही नहीं है, बस ऐसी ही हमारी जिंदगी गुजर जाती है। प्लेजर और तजुर्बा हमें रेली मिल पाता है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूं तुम भी वही करो जो मैंने किया था। क्या? देखो, तुम्हारे पति के लिए तुम सिर्फ एक टॉय हो, तो तुम भी अपने लिए एक टॉय ढूंढ लो। मेरे उनको भी करके करवट लेने की आदत है, तो मैंने भी अपने लिए एक टॉय ढूंढ लिया। वो रोहित, रोहित राय, कॉलेज में हमारा जूनियर। हाँ, लेकिन अब उसकी पोजीशन ना मेरे लिए सीनियर वाली हो गई है, समझी ना? अब हम मिलते हैं, मजे करते हैं और लाइफ में ना अब कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं तुझे भी कहती हूँ कि तू भी अपने लिए एक टॉय ढूंढ ही ले और फिर देखना लाइफ में कितने चेंजेस आ जाते हैं। वो अंकल जी के पैरों में मसाज करना है, लेकिन तेल की शीशी। Ah!